तो मैं आज बनाने जा रही हूँ भोग के लिए, गणेश जी के, गणपति के भोग के लिए बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू के लिए मैंने लिया है ये 150 ग्राम बेसन। मैंने पानी भी 150 ग्राम ही लिया है ना। मैंने कुछ नहीं डालूंगी, खाली बेसन का घोल बनाऊंगी। उसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि कैसी होनी चाहिए, और धीरे धीरे पानी डालेंगे क्योंकि नहीं तो फिर गांठें पड़ जाती हैं। पहले थोड़ा सा हाथ हाथ का इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह का होना चाहिए। पानी हमारा थोड़ा सा बच भी गया है। देसी घी में बनाऊंगी। घी मैंने गरम होने के लिए रख मेरा दिया गरम है। होने लगा है। घी हमें इतना गरम करना है कि हमारी बूंदी जैसे हम डालें तो सिकने लगे। ये मैंने झड़ने लिए। अब ये इस तरीके से रुक रुक के हमें डालनी है। ये देखिए इस तरीके से। और दो झरनों का हम यूज करेंगे, एक से हम निकालेंगे और एक से हम डालेंगे। ये देखिए एग्जैक्ट तरीका। और कितनी अच्छी बूंदी। और जब ये नीचे वाली बूंदी सिक जाए हमें तब डालना चाहिए। ये देखिए, और अलग अलग। और बेसन की कंसिस्टेंसी का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। अगर बेसन का जो बैटर है वो अगर ज़्यादा ढीला हो गया तो ये फैल जाएंगी, और अगर थिक रह गया तो ये कैड़ी हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। और मैं इन्हें निकाल देती हूँ। थोड़ा सा घुमा के डालना चाहिए। अगर हम एक जगह ही डालेंगे तो ये इकट्ठी हो जाती हैं। और काफ़ी जल्दी सिक भी जाती हैं। मेरी बूंदी बन के तैयार है, और अब मैं बना रही हूँ चाशनी। चाशनी के लिए मैंने लिए 150 ग्राम चीनी, और 150 ग्राम ही या 150 ml ही मैंने लिया है पानी। और चाशनी मैं इसको बनाने जा रही हूँ, और इसकी चाशनी बहुत पतली बनती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनती है क्योंकि उसके अंदर ही हमें बूंदी मिलानी है। ये देखें चाशनी मेरी पकने लगी है, और चाशनी के अंदर जो मैं डालूंगी, मेरे को खुशबू भी चाहिए, सौंधापन भी चाहिए, और टेस्ट भी चाहिए, और फ्रूटीनेस भी चाहिए। तो मैंने चाशनी में खुशबू के लिए, सौंधेपन के लिए, और फ्रूटीनेस के लिए मैंने थोड़ा सा केसर लिया है, काली मिर्च ली है, इलायची पाउडर लिया है, खरबूजे की गिरी ली है, और काजू बादाम और पिस्ते तीनों मैंने बारीक बारीक काट लिया। और मैं इन्हें तीनों सब इन सबको मैं चाशनी में मिला दूंगी अच्छे से। और थोड़ा सा और एक चीज़ और डालूंगी खुशबू के लिए, गुलाब जल। एक चम्मच ही बहुत है। थोड़ा सा जब ये पक जाएगी तो मैं इसके अंदर ही बूंदी मिक्स कर दूंगी। ये काफ़ी तैयार है चाशनी, लेकिन हमें इसे गाढ़ा नहीं होने देना है। और अब हम इसमें डाल देंगे बूंदी, और गैस को हम कर देंगे, हीट को हम कम कर देंगे। ये हल्की हल्की आंच में इसको हम इसमें चलाते रहेंगे, हल्की हल्की आंच में पकाते रहेंगे। तरीके के ढीले ढीले सॉफ्ट सॉफ्ट रसीले से और घी के टेस्ट वाले लड्डू जो हैं मोतीचूर में बनते हैं, और बूंदी वाले में बनते हैं, दोनों में आते हैं। बंद करके हीट को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये काफ़ी ठंडे हो गए हैं करीब करीब। अब मैं इसमें लड्डू बनाती हूँ। लड्डू बनाने के लिए वैसे तो काफ़ी चिकनाई है, पर चाहें तो हाथ पे थोड़ा सा चिकनाई या पानी लगा सकते हैं। लेकिन इन लड्डू में एक फ़ायदा है,
कि चाहें तो हम ऐसे ही गोल कर सकते हैं, ऐसे नहीं बांधने की जरूरत। ये देखिए, ये बूंदी के लड्डू इस तरीके से छोटे छोटे साइज के हम बना लेंगे। ये देखिए मेरे बूंदी के लड्डू तैयार हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट वाले बने हैं, बहुत सॉफ्ट। कि आपको अगर मेरी रेसिपी सच में ही पसंद आती है तो आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।